नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आपने देख लिया होगा तुमने पे। चलिए, द मिड पॉइंट पी ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी, मतलब ए एंड बी का मिड पॉइंट क्या बोला गया है, पी बोला गया है, वो किस पे लाई कर रहा है। एक दूसरा लाइन सेगमेंट है जो कि सी डी है, उस पे भी लाई कर रहा है, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है कि पी किस रेशियो में उस सी डी को डिवाइड कर रहा है, ये फाइंड करना है। और यहाँ पे आपको डी में देखिए वाई वाई टर्म दिख रहा होगा, उसका वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, मिड पॉइंट किसका बोल रहा है, ए एंड बी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले ए और बी ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ये ए है मेरा और ये बी है, ठीक है, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। या फिर थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको ऐसे ए और बी एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ए बी ऐसे एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। ये क्या है, लाइन सेगमेंट है। ए का कितना बोला गया है, ए का मेरे पास बोला गया है -10 4, तो -10 4। और बी का कितना बोला गया है, बी बोला गया है मेरे पास -2 0 बोल रहा है, ठीक है। और क्या बोला गया है, इसका मिड पॉइंट क्या है, पी है, मतलब यहाँ पे पी कुछ ऐसा पॉइंट होगा, ठीक है, मिड पॉइंट पी है, ऐसा बोला गया। और क्या बोल रहा है, ये पी जो है एक अलग लाइन सेगमेंट जो कि सी डी है, अलग लाइन सेगमेंट जो कि सी डी है, कुछ ऐसा जो कि सी डी है, कुछ सी डी है, उसपे भी क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है, किस रेशियो में पी सी डी को डिवाइड करेगा। तो कुछ नहीं, आपको पता है केस टू वन मानते हैं और क्यू मानते हैं, ये भी आप लोग को पता होगा, ठीक है। और सी के बारे में कितना बोला गया है, सी के बारे में पास -9 -4 बोल रहा है, ठीक है। और डी के बारे में बोल रहा है, डी के बारे में -4 और वाई बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको रेशियो फाइंड करना है और इस वाई की वैल्यू को भी फाइंड करना है। सबसे पहले मेरे पास जो गिवन है मिड पॉइंट, उससे हम लोग करके क्या करते हैं, पी का कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं। चलिए फटाफट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है, ठीक है। क्या लिखिएगा, सिंस P is midpoint of AB, hence x equal to क्या हो जाएगा, x1 plus x2 divided by 2, ठीक है। इस केस में x1 इसको, x2 इसको मान लीजिएगा, कितना -10 -2 divided by 2 -12 by 2 कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा माइनस में। मतलब क्या कि एक तो -6 मिल गया, ठीक है। अब हम लोग y फाइंड कर लेते हैं यहीं से, तो y कितना हो जाएगा, y1 plus y2 divided by 2, y1 कितना है 4, y2 कितना है 0 0, ऐसा इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 -6 और 2 आ गया, ठीक है। p का तो पता चल गया हम लोग को, अब कुछ नहीं करना है, अब सेक्शन फॉर्मूला लगा के cd पे सेक्शन फॉर्मूला लगा के रेशियो फाइंड कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो लिखिएगा फॉर लाइन सेगमेंट सी डी। अब हम लोग किसके लिए देख रहे हैं, सी डी के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो लिखिएगा लेट द रेशियो बी K is to 1, ठीक है। K is to 1 हम लोग एज्यूम करते हैं, बस कुछ मत कीजिए, लगा दीजिए सेक्शन फॉर्मूला। तो लिखिएगा वाई सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे किसके लिए सी डी के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या, इस केस में ये मेरा क्या हो जाएगा, x1 y1 हो जाएगा, इस केस में ये मेरा क्या हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा, और ये मेरा x और y हो जाएगा, ठीक है। रेशियो K is to 1 में आ चुका है। चलिए तो निकालते हैं, सबसे पहले x लगा दीजिए, क्या होता है, mx2 plus nx1 divided by m plus n, ठीक है। x कितना है, x में पास -6 है, तो बस -6 इक्वल टू m कितना है, k तो एज्यूम कर चुके हैं। x2 कितना है, x2 में पास -4 है, तो -4 प्लस साइन n कितना है, n 1 हो जाएगा इस केस में। और x1 कितना है मेरे पास, -9 है, तो बस -9 पुट कर दीजिए, डिवाइडेड बाई k+1, सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये -4k आ जाएगा, और ये -9 divided by k+1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए -6 इक्वल टू इतना आ गया, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, इस चीज को नेक्स्ट स्टेप में लिखिएगा,
और इक्वल टू माइनस साइन माइनस सिक्स देते चलिए, ठीक है। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दीजिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले माइनस सिक्स को इन सब से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा रहे हैं, तो माइनस सिक्स इंटू के कितना हो जाएगा, माइनस सिक्स के हो जाएगा, तो माइनस सिक्स के लिख लीजिए, ठीक है, ठीक है, माइनस सिक्स के हो जाएगा, तो माइनस सिक्स के लिख लीजिए, और माइनस सिक्स को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सिक्स आ जाएगा इक्वल टू, नीचे तो वन रहता है, वन को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही चीज आ जाएगा ऐसा, ठीक है। कुछ मत कीजिए, के वाले टर्म को उधर ले आइए, इसको इधर कर दीजिए, तो माइनस सिक्स के ये उधर जाएगा तो प्लस फोर के ऐसा इक्वल टू माइनस नाइन, और ये इधर आएगा तो ऐसा कितना आ जाएगा मेरे पास, इसको सॉल्व कीजिएगा तो सबसे पहले माइनस सिक्स के प्लस फोर के माइनस टू के इक्वल का साइन दे दीजिए, कितना आ जाएगा मेरे पास, माइनस थ्री आ जाएगा, माइनस माइनस कट कर दीजिए तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, थ्री बाई टू आ जाएगा, यही आपका क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो y दिख रहा है इसके लिए भी बाई ऑर्डिनेट का लगा देंगे ये फॉर्मूला, और बाई आपको मिल जाएगा, ठीक है, कुछ मत कीजिए, लगा दीजिए, ठीक है। बाई इक्वल टू क्या होता है, एम 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 बाई टू प्लस एन बाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, ठीक है, ठीक है। चलिए बाई 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 कितना है, टू है, मतलब फॉर्मूले वाला वाई यहाँ पे, ठीक है, जो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, चलिए मैं वाई यहाँ पे, ठीक है। चलिए फॉर्मूले में ये जो वाई है ये कितना है, टू है, तो टू लिख दीजिए, इक्वल का साइन एम कितना आ चुका है, थ्री और एन टू, ठीक है, तो एम कितना, थ्री इन टू, वाई टू कितना है, वाई टू जो कि वाई एक्चुअली में है ऐसा, प्लस साइन एन, एन कितना आया है, टू आया है, तो टू रख दीजिए। y1 कितना है, y1 मेरे पास माइनस फोर है, तो बस यहाँ पे माइनस फोर कर दीजिए डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, थ्री प्लस टू कितना, फाइव हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए तो टू इक्वल टू कितना आ जाएगा, थ्री वाई, थ्री बाई माइनस एट डिवाइडेड बाई फाइव, ठीक है, ठीक है, ऐसा आ गया। तो क्या कीजिए, फाइव को इधर कर दीजिए तो टू से मल्टीप्लाई होकर टेन हो जाएगा इक्वल टू थ्री वाई, थ्री वाई माइनस एट, कुछ मत कीजिए, एट को उधर कर दीजिए, ठीक है, टेन तो है ही इधर, एट उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा इक्वल टू थ्री वाई, मतलब क्या कि थ्री वाई इक्वल टू कितना आ गया आपका, एटीन आ गया, तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, एटीन वाई थ्री, और ये सिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।